मथुरा के मंडी समिति में दिल्ली पब्लिक स्कूल और हीरो मोटर कंपनी द्वारा साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साइकिल चलाने से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में जनपद के 450 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें लड़कों की दो श्रेणी थी, जिनकी उम्र 10 से 13 और दूसरी श्रेणी में 13 से 15 उम्र तक के लड़के और 15 से 20 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। साइकिल चलाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि साइकिलिंग को भारत में इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जितना विदेशों में प्रोत्साहन दिया जाता है। हर उम्र के व्यक्ति को साइकिल चलानी चाहिए, इससे स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है। मोटर्स का साथी आजा साइकिल का, कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और साइकिलिंग से जो हमारे देश में साइकिलिंग की इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन एनवायरनमेंट में हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आता जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर साइकिलिंग को हम बढ़ावा देंगे तो एनवायरनमेंट पे सुधार होगा और साथ ही इकोनॉमिकली भी है, और दूसरा इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा। तो मैं अंत में फिलहाल दोनों लोगों का और तीनों का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाए। आज की जो एक्टिविटी है साइकिलिंग को लेकर के, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि साइकिलिंग का इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। विदेशों में आप देखो, यूरोप में नीदरलैंड है, नीदरलैंड में एवरेज हाइट 6.2 है। तो निश्चित रूप से इससे हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ी एक्टिविटी है ये, और हीरो हमेशा जो वर्ल्ड नंबर वन कंपनी है और खेलों को बहुत प्रोत्साहन देती है। पहले आपने देखा होगा क्रिकेट के लिए बहुत प्रोत्साहन ऐड आते थे, आज कबड्डी है, खो खो है, हम इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल के अध्यापक और हीरो कंपनी के तमाम कर्मचारी गण मौजूद रहे।